नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मायावती बोली, महिला अपराधों में राजनीति नहीं, सख्त कदम उठाने की जरूरत, बंगाल और कन्नौज का किया जिक्र। मैनपुरी में तेजी से बढ़ रहे बुखार के मरीज, 23 लोग कराए गए भर्ती, OPD में पहुंचे 1052 मरीज। बरेली में कार से आए वाहन चोर, 2 कारें चुरा ले गए, CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। आगरा इटावा हाईवे पर भागीयू का ट्रैक्टर मार्च, पुलिस को लगानी पड़ी JCB, ASDM से हुई हॉट टॉक। महोबा में पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार, 1 के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। वाराणसी में दिल्ली की तर्ज पर काशी में भी होगी खास व्यवस्था, लहरतारा से कैंट रोडवेज तक बनेगा ऑटो रैपिड ट्रांजिट। आगरा में बारिश में हाईवे बना झील, 6 किलोमीटर लंबा जाम, 7 घंटे तक जूझे लोग, पानी में गाड़ियां हुई बंद। रामपुर में मुठभेड़, पुलिस ने 2 गौ तस्कर को पकड़ा, 1 के पांव में लगी गोली, दोनों पर 15 से ज़्यादा केस दर्ज। कासगंज में पेड़ से छत पर, फिर आंगन का जाल तोड़कर घर में घुसे चोर, ले उड़े नकदी और लाखों के जेवरात। मथुरा में पुलिस मुठभेड़ में 7 अंतर्राज्यीय अपराधी गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से 3 घायल। CM बोले, कानपुर को लाल इमली लौटाऊंगा, 725 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस की समय सारणी जारी, 8 घंटे में तय करेगी 560 किलोमीटर दूरी। अलीगढ़ में तारों में स्पार्किंग से 10 दुकानों में 1 करोड़ का सामान जला, दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। वाराणसी में 1 घंटे में हुई 40 मिलीमीटर बारिश, दुकानों और घरों में घुसा पानी। वाराणसी में 40 तीर्थयात्रियों से उचक्का गिरी, 17 मोबाइल समेत अन्य सामान लेकर अवैध गाइड फरार, पुलिस भी रह गई हैरान। फतेहपुर में अभिलेखागार में सांप घुसने से कामकाज प्रभावित, डर के साए में काम कर रहे कर्मचारी। हाथरस में बंदर के हमले में मासूम घायल, हालत गंभीर। हाथरस में भूमि को कब्जा मुक्त कराने पहुंची टीम से अभद्रता, 2 नामजद व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नोएडा में शाइन इंडिया के शो में पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता गुलशन ग्रोवर, विजेताओं को किया सम्मानित। नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता, मुठभेड़ में धकधक गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्तार, 1 को लगी गोली। ये थी अभी तक की 20 बड़ी खबरें। बनवारीलाल कुशवाहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।